20वीं सदी के आखिर में उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बटा, उत्तराखंड और यूपी। 21वीं सदी के पहले 21 साल की लड़ाई में लखनऊ गवाह है। सौ सीट के पार जाने का मादा सिर्फ बीजेपी ही जुटा पाई है। जब 2017 में बीजेपी ने अपने दम पर अकेले 312 सीट हासिल की, ये करिश्मा बीजेपी के लिए करके दिखाने वाले अमित शाह ने 2022 का लक्ष्य भी तय कर दिया। आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत से लोगों को शंका इस दावे पर शायद ना हो, जब संगठन के महारथी कहे जाने वाले अमित शाह टारगेट फिक्स करें, 22 करोड़ के सूबे को सबका कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सम विकास करने का मादा रखती है। सम विकास, जब चुनावी मैनेजमेंट के माहिर प्रशांत किशोर कहने लगे कि आएगी तो बीजेपी ही, गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, वेदर दे विन वेदर दे लूज, लाइक इट वाज फॉर फर्स्ट 40 इयर्स फॉर कांग्रेस, बीजेपी इज गोइंग नोवेयर, वंस यू सिक्योर 30% प्लस वोट एट इंडिया लेवल, यू आर नॉट गोइंग अवे इन हरी। फिर क्या, महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत जैसे तमाम मुद्दों के बीच भी 300 पार का लक्ष्य बीजेपी हासिल करेगी? हाँ तो कैसे? लखनऊ में अमित शाह के इस बयान में क्या इसका जवाब छिपा है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने ननिहाल में जाता है, माँ परेसने वाली होती है, ऐसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते हैं। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं मोदी जी को 24 में पीएम बनाना है तो 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यही है 24 के चक्कर में 22 की टक्कर। इसे समझने के लिए पूरा पहिया घुमाकर आपको 7 साल पहले चलना होगा। में प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश अमित शाह आए थे। 2014 में बीजेपी को 71 सीट उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जिता दी। 2017 की विधानसभा चुनाव के दौरान शाह बीजेपी अध्यक्ष रहे। बीजेपी ने 40% वोट हासिल करके 300 पार सीट हासिल की। 2019 के चुनाव के दौरान भी शाह पार्टी की कमान संभाल रहे थे। बीजेपी यूपी में एक बार फिर 49% के पार जाकर वोट हासिल करती है। उत्तर प्रदेश में अब अमित शाह आते हैं तो वो गृह मंत्री का पद देश का संभाल रहे हैं। सीएम पद का चेहरा स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ हैं या अमित शाह बताते हैं। तो फिर 24 में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए 22 में पहले योगी सरकार बनाने की बात क्यों अमित शाह कह रहे हैं? मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं। 22 की टक्कर में 2024 का जिक्र लाने का कारण है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। 2014 से ठीक 2 साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 15% वोट पाती है। 2009 में 17% मत मिलता है,
2007 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के हिस्से 16% वोट आता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा आने के बाद से देखिए, 2014 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 42.63% वोट लाती है, 2017 में 40% और 2019 में 49% के पार। बीजेपी को लोकसभा में यूपी में 10 सीट से 70 के पार ले जाना और विधानसभा में 40-50 सीट से 300 के पार ले जाना, ये सब कुछ मोदी अमित शाह कर चुके हैं। क्या 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में 300 पार का नारा फिर से देकर पूरा करना संभव होगा? राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर संशय जताते हैं। टीवी तो दिखाई पड़ती है, बीजेपी जीतती भी मुझे दिखाई पड़ती है, लेकिन 300 पार का नारा मुझे लगता है एक नारा रह जाएगा। पिछले कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला, अपने अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने नारा दिया था 200 पार, जो बीजेपी पार नहीं कर पाई, और हरियाणा के चुनाव की भी जब आप याद करें वहाँ भी एक नारा था 70 पार, वो भी वो पार नहीं कर पाई। तो बीजेपी चुनाव जीतते हुए दिखती है, लेकिन मुझे लगता है नारा 300 पार का सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में अगर मान लें कि अखिलेश यादव इस बार रणनीति बदल कर उतरे हैं, यूपी में इस बार प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस आक्रामक है, यूपी में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी 5 साल के राज पर हो सकती है। इतिहास रहा है कि यूपी में 3 दशक से कोई 5 साल बाद दोबारा नहीं लौटा। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 3,44,03,039 वोट मिले थे। यूपी में बीजेपी के कहते हैं अपने कुल 2.5 करोड़ सदस्य हैं। अब पार्टी राज्य में अपने सदस्यों की संख्या को 4 करोड़ के पार ले जाना चाहती है, ताकि फिर से 300 सीट के पार जा सके। इसीलिए अमित शाह लखनऊ आकर बीजेपी परिवार को बढ़ाने वाला सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। अखिलेश यादव इस पर चुटकी लेते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। चुनावी गणित कहता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट शेयर में अंतर करीब 18% का है। हाल के किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी गिरावट बीजेपी के मतों में कभी नहीं हुई। तो क्या 300 पार का नारा बीजेपी का सत्य बनेगा, या फिर इसके लिए और भी रणनीतियों का चक्कर 22 की टक्कर में दिखेगा? दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।